देखिए, कुछ डेवलपमेंट के काम चल रहे थे, उनकी वास्तविक स्थिति जानने के लिए जो है आज शहर का जो है दौरा किया जा रहा है। और मेन जो एक नेशनल कॉलेज के पास और जो ये ओल्ड जो हमारा बस स्टैंड था हिसार रोड पे, वहाँ पर जो पाइपलाइन का लेइंग का काम था अमृत स्कीम के अंदर, वो जो है फाइनल स्टेजेस पे है। और उसमें अभी जो है दो पाइपलाइन फाइनली अब डलनी है, बाकी कुछ जो स्ट्रेच था जो पहले जहाँ पाइपलाइन डली थी वहाँ पे पीडब्ल्यूडी ने जो है रोड का भी काम करके उस पर काम कर दिया था। और बाकी जगह भी जो है एक पैच वर्क से संबंधित भी जो है जो मौके का निरीक्षण किया जा रहा है। जो हमारी यूएलबी है सिरसा की, उन्होंने 31 वार्ड में पैच लगाने के लिए जो है वो ठेका दिया है, और करीबन जो बताया गया है कि 8 किलोमीटर का जो है पैच वर्क किया जाना है, और उसमें से करीबन 3-3.5 किलोमीटर का पैच वर्क हो चुका है, और बाकी का जो पैच वर्क पूरे शहर में जो है अगले 20-21 दिन के अंदर जो है 15-20 दिन के अंदर जो है इसको पूरा किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है क्योंकि जो है सर्दी का सीज़न आ रहा है, तो उसको देखते हुए रैन बसेरे का भी जो है निरीक्षण किया गया। और अभी जो है यहाँ पे सिरसा शहर के अंदर जो है एक जो है रैन बसेरा वो जो है यूएलबी के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो है 2 टेम्प्रेरी रैन बसेरा चलाने के जो है निर्देश वो भी दिए गए हैं, क्योंकि बस स्टैंड के पास जो है रखे जाएंगे, और डवाली शहर में भी जो है टेम्प्रेरी रैन बसेरा चलाने के निर्देश दिए गए हैं। बस स्टैंड के सामने सर जो जाम लगता है, बसें खड़ी होती हैं, उनके लिए क्या कुछ निर्देश दिए गए? देखिए, ये जो समस्या है बस स्टैंड के सामने जो जाम लगता है, मुख्य कारण उसका ये है कि कई बसें जो हैं वो बस स्टैंड के बाहर जो जाके रुकती हैं। उसके साथ ही साथ जो हमारे ऑटो रिक्शाज हैं वो भी बस स्टैंड के सामने जो बाहर खड़े होते हैं, तो उसको लेकर भी जो है ये एक कंटिन्यूस एक्सरसाइज है। इसमें हमारी जो ट्रैफिक और RTA की टीमें जो हैं मौके पे जब उतरेंगी, लोगों गाइड करेंगी, जो डायरेक्शन वो इन्फोर्स करेंगी, तो उससे जो है स्थिति डेली बेसिस पे तभी जो है सुधर सकती है। जो हमारा ये हिसार रोड का जो काम चल रहा है, इसके अंदर जो है करीबन 10 दिन के अंदर जो है ये काम फाइनली कंप्लीट कर दिया जाएगा। और उसमें जिसमें जो सीवरेज की पाइपलाइन डालनी है वो होगा, और साइड बाई साइड जो PWD के द्वारा उसके बाद जो है सड़क को लेवल करके एक WBM जो है वो डाला जाएगा, पर क्योंकि ब्लैक टॉप का काम सर्दी के मौसम में अभी नहीं हो सकता, तो वो थोड़ा समय के बाद किया जाएगा। अतिक्रमण की एक सर बड़ी समस्या आपने भी देखा है, हालांकि आप कुछ पॉइंट्स पर विजिट किया लेकिन शहर के बीचों बीच आप निकले हैं, तो अतिक्रमण को लेकर क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, मुख्य कारण तो इसका यही लगता है कि जितनी दुकान एक्चुअल साइज में होती है उससे ज़्यादा सामान दुकान के बाहर होता है, उसके बाद लोग पार्किंग होती है, कुछ रेहड़ियाँ लगती हैं, तो उस हिसाब से जो है अवेलेबल विड्थ जो है रोड की वो बड़ी कम हो जाती है दिन के समय। तो इसमें जो है आगे इसकी थोड़ी एक रूपरेखा तैयार करी जाएगी, बट इसमें मेजर सहयोग जो है शहर के लोगों का चाहिए होगा कि वो जो है अतिक्रमण अगर दूर करना है, सबसे पहला योगदान जो है शहर में जो हमारे जितने दुकानदार साथी हैं उनकी तरफ से चाहिए होगा, ताकि इसको हम लोग इफेक्टिवली और लॉन्ग टाइम के मीन्स एक परमानेंट जो है स्थायी इलाज उसमें ढूंढ सकें। एक पॉलिथीन वाला चल रहा है शहर के अंदर, गरीब रेडी वाला ज़्यादा फूट रहे हैं जी, वो कह रहे हैं होलसेलर वालों को आप फूटो ताकि हमारे पे क्यों आए? नगर परिषद ने उन्हीं के चलान किए थे ज़्यादातर रेडियो। देखिए, इसमें ये तो एक इसकी डिटेल्स तो इतनी नहीं है कि एग्जैक्टली कहाँ का चलान हो रहे हैं, बट यूजली एक ह्यूमन टेंडेंसी रहती है कि हम लोग अपनी गलती के बजाय दूसरे की गलती को बताने में ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हैं। सर, अंतिम सवाल, अब जो आश्वासन मिला है उस आश्वासन के तहत काम पूरे हो जाएंगे या फिर जिस तरह से पिछली बार जैसे आश्वासन दिए गए जी, क्या लगता है? नहीं, इस बार मुझे पूरी उम्मीदें हो जाएंगे, नहीं तो आगे जो कार्रवाई करनी है वो जरूर करेंगे। एक्शन लिया जाएगा आपकी तरफ से, मान के चलें कि चेतावनी आप दे रहे हैं? देखिए, मेरा जो यही है कि अधिकारियों को सीधे स्पष्ट और सख्त तरीके से निर्देश दिए गए हैं कि इस बार जो काम है कंप्लीट जो है करके टाइमली जो है ये जो लंबे समय से प्रोजेक्ट चल रहा है इसको एक समापन दें, और लोगों के लिए जो ये दिक्कतें आ रही है उसको दूर करें। थैंक यू। पूरा शहर गड्ढा मुक्त हो जाएगा सर? हो जाएगा। ये जो अब गड्ढा मुक्त सिरसा की जो बात है, ये जो प्रोजेक्ट है ये बताया गया है कि अगले 15-20 दिन तक के अंदर जो है स्पेशली नववर्ष से पहले जो है इसको पूरा कर दिया जाएगा,
और यहाँ पर मेरे जो उच्च अधिकारी जो है यूएलबी के, वो भी खड़े और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार वो ज़रूर जो है क्योंकि इस काम को पूरा करने में सहयोग देंगे। नए साल में नया सिरसा गड्ढा मुक्त मिलेगा ये कहते हैं।